गरीब परिवार लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। तो वहीं काशीपुर में ढेला बस्ती स्थित एक घर में अचानक आग लगने से 3 परिवार घर से बेघर हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग बुझाने तक 4 परिवारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि मोहल्ला पक्का कोट निवासी सलाउद्दीन 3 शादीशुदा बेटों के साथ एक ही छप्पर के बने घर में रहता है। आज खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान छोटे छोटे बच्चों सहित महिलाओं ने बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई। आग इतनी भयानक थी कि घर में रह रहे 3 बेटों की शादी के दहेज का सामान भी जलकर राख हो गया। आग ने पड़ोस में रहने वाली शबनम के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझ पाती तब तक 4 परिवारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन अधिकारी हंस दास सागर के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से करीब 3 लाख के नुकसान होने का अनुमान बताया गया है। 2 घर है यहाँ पर, 3 घर है, 3 घर में मतलब आग लगी थी और बता रहे हैं गैस से हुआ है या शॉर्ट सर्किट द्वारा बता रहे हैं, लेकिन घर सारा सामान जल गया उनका, अनाज वगैरह जितना सारा सामान, कपड़े लत्ते वगैरह जितना सारा सामान गया। देखिए हम लोगों ने जितना प्रयास किया सब कुछ बजा दिया। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर तुम कल की लगाई? गाड़ी लेकर सर 2 गाड़ियाँ चल रही है।